हेलो दोस्तों, आज हम सरिस्का टाइगर रिज़र्व में हैं और ये है फीमेल टाइग्रेस ST7। फर्स्ट टाइम मैंने ST7 को देखा है और नॉर्मली ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि ST7 एंड ST21 इनका मीटिंग होने वाला है बिकॉज़ ये कुछ दिनों से साथ में दिख रहे हैं, बट अभी हमें फ़िलहाल तो ST7 दिख रही है। सो उम्मीद यही है कि ST21 भी कहीं आसपास में ही होगा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग झलाना से लेपर्ड साइटिंग करके आ रहे हैं, वहाँ भी हमें मेटिंग कपल फ्लोरा एंड राणा हमें दिखा था। सो आज हमारा लक बहुत अच्छा चल रहा है। हमने इसके पहले ST9 को देखा था बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था और ये टाइगर उठ गया है। ये टाइगरेस जा रही है, आई थिंक वो डीप बुशेस के अंदर जा रही है। यस, ओ यू वाओ, ST21, वाओ लुक एट द साइज। मेल टाइगर और वन ऑफ द डोमिनेटिंग मेल, वाओ सी द साइज ऑफ दिस टाइगर। ST21 को यहाँ पे लोग युवराज के नाम से भी बुलाते हैं बिकॉज ही इज़ लाइक युवराज, जस्ट सी हिज साइज एंड हिज फेस। और आई थिंक ये टेरिटरी मार्क करने वाला है और इसने ये टेरिटरी मार्क किया। और ST7 भी इधर ही बुशेस में है, सो अगर वो भी अगर निकल के सामने आए तो बहुत अच्छा साइटिंग होगा। ऑलरेडी ये बहुत अच्छी साइटिंग है, लुक एट द साइज यार, इंप्रेस्ड विद द साइज, नाइस। और मुझे लगता है वो यहीं पे बैठने वाली है। जिस हिसाब से वो नॉर्मली टाइगर्स को कच्चे रास्ते बहुत पसंद है, नॉर्मली वो उन पे वॉक करना, उस पे बैठना, लेटना वो बहुत पसंद करते हैं। वाओ, ये ओ वाओ, ही इज कमिंग फ्रंट ऑफ अस यार। वाओ, इतनी क्लोज साइटिंग, इट्स रियली अमेजिंग यार, बहुत पास में। आई थिंक ये हमसे हार्डली 7 या 8 मीटर दूर डिस्टेंस पे है। वाओ, और ये फिर से टेरिटरी मार्क करते हुए, और लगता है ये यहाँ बैठने वाला है। और ये बैठ गया। वाओ, अब एक्चुअली हमें निकलना इसी रास्ते से है और अभी सफारी का टाइम भी हो चुका है। सो देखते हैं कि हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं बिकॉज नॉर्मली यहाँ के ड्राइवर्स को और भी रूट पता है। सो बट इनका कहना है कि यही शॉर्टकट है, अदरवाइज हमें बहुत घूम के जाना पड़ेगा। सो देखते हैं, अगर हम वेट कर सकते हैं तो हम यहाँ वेट करेंगे, एल्स हमें घूम के जाना पड़ेगा और उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगी और हो सकता है हम गेट से निकलते निकलते लेट भी हो जाएं। बट हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज टाइगर ने हमारा रास्ता रोक रखा है। सो गाइज, आज बहुत ही अच्छा दिन रहा। पार्क में इंटर करते ही सबसे पहले हमने ST9 को देखा और जब मैं लास्ट फरवरी मंथ में यहाँ पे आया था, सो ST9 एंड ST21 साथ में दिख रहे थे। विद इन 3 मंथ अभी ये ST21 ST7 के साथ दिख रहा है। सो आई होप सो कि ST9 प्रेग्नेंट होगी और बहुत ही जल्द हमें उसके कब्स देखने को मिलेंगे। बट रिसेंटली हमें पता चला कि ST7 एंड ST21, ये ST7 एंड ST21 दोनों बहुत साथ में घूम रहे थे, सो देर आर चांसेस ऑफ मीटिंग। एंड दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, हमारे इस ट्रिप के बाद हमें नेक्स्ट डे हमारे
रेप्यूटेड गाइड मिस्टर श्याम सुंदर सरिस्का के वन ऑफ द रेप्यूटेड गाइड में से एक है, उनका कॉल आया था कि उन्होंने इसी पॉइंट पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को इन दोनों का ST7 एंड ST21 उनका मीटिंग उन्होंने देखा है। सो गाइस सरिस्का रियली मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली युवराज की वजह से, बिकॉज मैं जब भी आता हूँ मोस्टली मुझे युवराज दिखता ही दिखता है। हालांकि फ़र्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था तो मुझे केवल ST9 दिखी थी फर्स्ट टाइम, जो मैं यहाँ से 2 साल पहले आया था, बट उसके बाद बीच में कोविड और ये सब की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन रिसेंटली हमने फरवरी मंथ में सफारी की थी तो हमें ST9 एंड ST21 ये दोनों साथ में दिखे थे, और आज फिर से ST21 मुझे दिख गया। एंड रियली आज जो मुझे शॉट मिले हैं रियली सुपर्ब, और साइटिंग क्या जबरदस्त है। ST7 ही पास में बैठी है बुशेस में, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है बिकॉज वहाँ पे बुशेस बहुत डेंस है। ओह वाओ, ये खड़ा हो गया फिर से, ये वाक ओ, ओ फिर से बैठ गया, फिर से बैठ गया ये। सो आज लगता है आज हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वाओ ओ ये लेट गया फिर, वाओ फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा टाइगर को ऐसे लेटते हुए। टाइगर देख रहे थे तो। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद डाल रहा हूँ, सो इसलिए मुझे नेक्स्ट डे क्या हुआ था ये मुझे मेरे गाइड से पता चला, बिकॉज उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग सफारी में उन्हें इन दोनों टाइगर एंड टाइग्रेस के मीटिंग के शॉट मिले हैं, और उन्होंने इसी यहीं पे उन्होंने मीटिंग देखा है। सो उम्मीद हमारी यही है कि इसी तरह से सरिस्का ये टाइगर भी ST7 भी कुछ दिनों में कब को जन्म दे, और सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर के पॉपुलेशन बढ़ता रहे। बता दूँ आपको कि यहाँ पे अभी अराउंड 23 to 25 टाइगर है सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ही कम कॉलर्ड वाले टाइगर्स हैं, जिनको कॉलर्ड ट्रैकर जो लगा रखते हैं वो उन्होंने लगा रखा है। बहुत सारे टाइगर ऐसे हैं जो यहाँ पे ही उनका जन्म हुआ है, सो उनको इन्होंने फिर से कॉलर्ड जो ट्रैकिंग डिवाइस रहता है वो उन्होंने इस पर नहीं लगाया है। सो गाइस अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा बिकॉज वी आर वेरी लेट। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।